Assalamu alaikum, dear one. How you all? I'm your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Bilwal. Today we are going to start lecture number 18. और लेक्चर नंबर 18 में सबसे पहले आप लोग इस पूरे पेज की बुक रीडिंग करेंगे। आप लोग इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, उनके आप लोग डिक्टेशन वर्ड्स याद करेंगे और अपनी मामा को उसका टेस्ट देंगे। इसका ओरल टेस्ट देंगे आप लोग और बुक रीडिंग अपनी मामा को सुनाएंगे। उसके बाद आप लोग अपना रफ रजिस्टर ओपन करेंगे और हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं और हम लोग ये पहले भी कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ही शी इट यानी कि सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं। ही शी इट और नाउन के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं और उसके बाद दे वी यानी के प्लूरल के साथ ढेर सारी चीजों के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ये तो पता था ग्रेड वन को क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। और उसके बाद आई के साथ हमेशा एम लगता है। प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने बोला कि ही शी इट और नाउन यानी और सिंगुलर के साथ हम लोग हमेशा इज लगाते हैं। उसके बाद दे और वी यानी के प्लूरल के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं और आई के साथ हमेशा एम लगता है। और इज का मीनिंग होता है, आर का मीनिंग होता है और एम का मीनिंग होता है हूं। तो प्यारे बच्चों इसको रिवाइज करने के बाद आप लोग अपनी वर्कबुक खोलेंगे और सबसे पहले आप लोग यहां पर डेट डे मेंटेन करेंगे और यहां पर हमने अपने सेंटेंसेस को रीराइट करना है इज एम आर को यूज करके। और हमने ये याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल हो और एंड पर फुल स्टॉप हो। अगर आप यहां पर देखें फर्स्ट क्वेश्चन को तो यहां पर देखें द बेबी डेज स्लीपिंग, तो देखिए दा का टी जो है वो स्मॉल है तो हमने सबसे पहले फर्स्ट लेटर क्या करना है, कैपिटल करना है। यहां पर देखिए उन्होंने आपके लिए एक सेंटेंस को सॉल्व किया है, यहां पर उन्होंने स्मॉल टी को कैपिटल टी किया है और फिर बाकी द बेबी इस तरह से लिख के और बेबी एक है तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे और स्लीपिंग को बिल्कुल इस तरह से लिख के एंड पर डॉट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसमें भी टी क्या है स्मॉल, हम इसको कैपिटल करेंगे द कैट। अब कैट एक है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेरी गुड, हम इसके साथ इज लगाएंगे। फिर वन फिंगर गैप लेंगे, हम लिखेंगे ड्रिंकिंग, देन अगेन वन फिंगर गैप के बाद मिल्क, उसके बाद एंड पर फुल स्टॉप, एंड पर आप लोगों ने फुल स्टॉप मस्ट लगाना है। द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का होमवर्क टास्क है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और यहां पर आप लोगों को 7 डेज ऑफ वीक दिए गए हैं। दे आर संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। Each day of the week begins with a capital letter. यहाँ पर देखें कि हर day of week जो है वो क्या है, capital letter से start किया हुआ है। और हम लोगों ने अब इसमें number the days of week in order. इसमें हमने days of week को उसके order के मुताबिक number देने हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है Sunday, तो Sunday में 1 है। यहाँ पर next Monday है तो Monday में हम लोग लिखेंगे 2, Tuesday में 3, वेंसडे में 4, थर्सडे में 5, फ्राइडे में 6 और सैटरडे में 7। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे और अपनी नोटबुक पे डेज ऑफ वीक को राइट करेंगे। उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे, डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, होमवर्क को टिक करेंगे और यहां पर टॉपिक में लिखेंगे डेज ऑफ वीक।
तो प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क टास्क है। यहाँ पर आप लोग डेज ऑफ वीक राइट करेंगे अपनी वर्कबुक से देखकर। सो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर। इसको अच्छे से याद करना है और मामा को इसका टेस्ट देना है। आज हमारा यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हुआ, तो इसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सी यू सून।